नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका आज की इस नई वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं आईफोन XR के बारे में। अगर काफी सारा कंफ्यूजन है आईफोन XR को लेकर, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा था कि बजट आईफोन है तो उसमें ज्यादा कुछ फीचर्स दिखेंगे नहीं, उससे अच्छा होगा कि आप आईफोन 8 प्लस ले लें। तो काफी सारे लोग 8 प्लस और XR के बीच में कन्फ्यूज था, तो उस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे और आज बात करेंगे कि आईफोन XR वर्थ रखता है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम पास के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात निकल कर आती है आईफोन XR के बारे में, वो है उसकी डिस्प्ले का साइज। 6.1 इंच की रेटिना डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है, जो कि काफी मैसिव डिस्प्ले है और यकीन मानिए तो काफी अच्छी बेहतरीन डिस्प्ले निकल कर आती है और अपग्रेडेड भी है हर बार की तरह से। तो अगर आप आईफोन XS Max अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको XR वैसा ही एक्सपीरियंस देने वाला है। थोड़ा सा माइनर सा हल्का सा फर्क देखने के लिए मिलेगा, पर वो मतलब निग्लेक्ट किया जा सकता है। तो डिस्प्ले साइज बड़ा है और इस मामले में XR काफी हद तक जीत जाता है 8 प्लस से। और वही अगली बात निकल कर आती है कि जो परफॉर्मेंस के, ऐसा बोला जा रहा था कि जो नए आईफोन है उनसे इस बार जो परफॉर्मेंस में जो थोड़ा सा हल्का है, पर ऐसा आपको जो रियल लाइफ है आप जब यूज करेंगे तो ऐसा आपको कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं होगा कि फोन चलने में थोड़ा टकराएगा, क्योंकि जो A12 बायोनिक चिप लगाई गई इसमें काफी अच्छा प्रोसेस करती है और काफी फास्ट है फोन, और आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आप XS Max चला रहे हो कि XR चला रहे हो। और बात रही 3D टच की, तो बस XR में यही एक नेगेटिव पॉइंट है कि उसमें 3D टच देखने के लिए नहीं मिलता, जबकि आपको अगर 8 प्लस पर जाते हो आप तो आपको 3D टच देखने के लिए मिलता है। आईफोन XR की कैमरे की बात करें तो कैमरे का भी जो परफॉर्मेंस है ऑल ओवर जो निकल कर आ रहे, मेरे काफी सारे फ्रेंड्स यूज करते हैं तो उनका जो कैमरे के प्रति जो सद्भावना है उनकी, वो काफी अच्छी निकल कर आती है। और उनका ये भी कहना है कि आईफोन XR का कैमरा काफी हद तक बहुत ही बेहतरीन है। तो अगर आप मेरी राय माने, क्योंकि मैंने भी काफी सारे आईफोन यूज किए हैं, आप मेरी पिछली वीडियो में देखेंगे तो मेरे पास X भी रहा है, XS Max भी रहा है, तो उस हिसाब से मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आप XR लेना चाहते हैं तो बेस्ट फोन है। और अभी कुछ दिनों में मैं भी लेने की सोच रहा हूँ आईफोन XR, अगर लूंगा तो एक बार वीडियो फिर से बनाऊंगा उसके ऊपर, ठीक है। तो ये है अभी तक की अपडेट। कैसे लगी आपको ये वीडियो, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर रही है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आप मिस ना कर सके। मैं हूँ विनायक और आप देख रहे हैं इंडियन क्रू। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।